हेलो एवरीवन वेलकम टू सिंपल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर में ही आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और वो है वायरस यानी कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस क्या होता है इसको पहचानने के तरीके क्या हैं कौन कौन से तरह के वायरस होते हैं इससे छुटकारा पाने के क्या उपाय हैं ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लास्ट तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जो भी सजेशन हो कमेंट कीजिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं वायरस इन कंप्यूटर या यूं कह सकते हैं कंप्यूटर वायरस व्हाट इज वायरस सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वायरस क्या होता है अब देखिए इसमें लिखा हुआ है द टर्म वायरस इन कंप्यूटर स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ये देखिए वायरस में जो वी आई आर यू एस जो दिया गया है उसका यहाँ पे कंप्लीट स्टैंड फॉर दिया गया है ये मैं कंप्यूटर से जुड़े टॉपिक्स के स्टैंड में भी बता चुका हूँ मीनिंग में डिटेल में बता दे रहा हूँ ये क्या करता है जो आपके कंप्यूटर के वाइटल इन्फॉर्मेशन होते हैं यानी जरूरी उनके रिसोर्स को ही सीज कर देता है आप सिंपल इन लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हैं आगे है इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच रेप उसी तरह का ये भी एक प्रोग्राम है लेकिन ये क्या करता है जब एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद ये अपने आप को रेप्लीकेट करता है रेप्लीकेट करने का मतलब कॉपी करता है जस्ट लाइक like जो बायोलॉजिकल वायरस होते हैं जो humans के लिए या अदर जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके वायरस की तरह ही ये भी यही चीज लिखा भी गया है जस्ट लाइक बायोलॉजिकल वायरस एंड रिप्लेसेस अदर कंप्यूटर प्रोग्राम बाय इंसर्टिंग इट्स ओन कोड और ये कह रहा है कि ये कंप्यूटर के प्रोग्राम को रिप्लेस यानी चेंज भी कर देता है उसकी जगह पे ये अपने कोड्स इंसर्ट कर देता है, डाल देता है है डाल इट कैन कॉज डैमेजेस टू कंप्यूटर एज एज वेल इट्स हार्डवेयर सबसे पहले तो ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डैमेज करता है और चूंकि सॉफ्टवेयर डैमेज होंगे तो उसी के थ्रू कंप्यूटर्स के हार्डवेयर भी ऑपरेट होते हैं तो चूंकि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगा तो वो मिसबिहेव होंगे और उसके बाद उनमें प्रॉब्लम आएगी इट स्प्रेड थ्रू सम लिंक्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट ये कह रहा है कि इंटरनेट पे जो लिंक्स होते हैं उसके थ्रू फैलता है जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं इट इनफेक्ट सिस्टम इफ क्लिक एंड देन स्प्रेड थ्रू अदर ट्रांसपोर्टेबल डिवाइसेस ये जो है सिस्टम को इन्फेक्ट करता है जब उस लिंक पे क्लिक किया जाता है और इसके अलावा कुछ और ट्रांसपोर्टेबल डिवाइसेज होते हैं पोर्टेबल उसके थ्रू भी फैलता है जैसे कि सी डी पेन ड्राइव जिसके थ्रू हम एक कंप्यूटर में सी डी या पेन ड्राइव डाल के उसके डेटा को उसमें ट्रांसफर करते हैं फिर उसको ले जाके दूसरे कंप्यूटर में डालते हैं तो वो इस तरह से भी फैलता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर यानी एक से दूसरे कंप्यूटर में नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ वायरस इसके सिम्टम क्या होते हैं वॉटर सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस पहला स्लो कंप्यूटर यानी आपके कंप्यूटर को स्लो हो जाना भी वायरस का सिम्टम है कंप्यूटर हैंग या क्रैश कंप्यूटर हैंग होना या क्रैश होना क्रैश होना इन द सेंस की कोई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बंद हो जाना काम नहीं करना कंप्यूटर अचानक बिल्कुल जो है स्ट्रक कर जाए और ये बार बार हो तो इसका मतलब उसमें वायरस आ गया तीसरा ऑटो प्रोग्राम स्टार्टअप बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक स्टार्ट होने लगे अपने आप स्क्रीन पे फ्लैश करने लगे होम पेज चेंजेस इंटरनेट का इंटरनेट में आपने होम पेज कुछ और लगा रखा है और बाद में ये चेंज होके कुछ और हो जाए ऑटोमेटिकली ऑटो सट डाउन आपके कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली बंद कर दे ये सारे लक्षण जो है वो कंप्यूटर वायरस आने के हैं यानी कंप्यूटर में आपके वायरस आ गया है टू मेनी पॉपअप बहुत सारे पॉपअप ओपन हो रहे हो जब आप इंटरनेट चला रहे हो तो ढेर सारे पॉपअप आपके स्क्रीन पे फ्लैश होने लग जाए तो वो भी कंप्यूटर वायरस का पहचान है चेंज इन विंडो सेटिंग या आइकन आपके स्क्रीन पे जो विंडोज के सेटिंग होते हैं या आइकन होते हैं उसमें अपने आप ही चेंज हो जाए ये भी उसी का सिम्टम है अब आगे है टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस के टाइप्स क्या क्या होते हैं कौन कौन से होते हैं पहला है बूट सेक्टर वायरस इट इन्फेक्ट बूट फाइल्स ऑफ सिस्टम एंड स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग वेन कंप्यूटर गेट्स स्टार्टेड कह रहा है ये बूट फाइल्स को जो कंप्यूटर होता है उसके बूट फाइल्स को इन्फेक्ट करता है संक्रमित करता है और अपने आप को बढ़ाने का काम शुरू कर देता है जैसे ही कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है चूंकि ये बूट फाइल में ही है यानी कि कंप्यूटर जैसे स्टार्ट होता है उस इंस्ट्रक्शन में ही ये घुस जाता है और फिर वो स्टार्ट के साथ ही वो अपना एग्जीक्यूट हो जाता है और एग्जीक्यूट होने के बाद उसको मल्टीप्लाई यानी संख्या अपना बढ़ाने लगता है सेकेंड है रेजिडेंट वायरस इट इनफेक्ट कंप्यूटर मेमोरी एंड देन इन्फेक्ट ऑल फाइल्स स्टोर्ड इन टू इट कंप्यूटर के मेमोरी में यह इन्वेड करता है वहां तक पहुंचता है पहले और उसके बाद उसमें मौजूद जो भी फाइल्स होते हैं उनको इन्फेक्टेड करता है उनको सिंक कर देता है सिंक्रोनाइज कर देता है उनके काफी चीजें चेंज कर देगा उसकी जगह पे अपने कोड्स डाल देगा थर्ड है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस इट चेंजेस पर्टिकुलर वेबसाइट स्क्रिप्ट इनटू टू कोड जो वेबसाइट्स आप रेगुलरली यूज करते होंगे उन वेबसाइट्स को खोलने पे उनके स्क्रिप्ट्स चेंज होकर मालेशियस हो जाएंगे यानी कि वायरस लोडेड हो जाएंगे और फिर उनमें आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो और उसको फैलाएगा इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह भी ट्रांसफर होगा फोर्थ है फाइल इन्फेक्टर वायरस इसके नाम से ही पता चलता है कि फाइल्स को इन, इन्फेक्ट करने के लिए होता है लेकिन कौन से फाइल को इट द सिस्टम आपके कंप्यूटर में जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं बाकी वर्ड एक्सेल ये सब नहीं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होते हैं एक्सेल का भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है जो मेन फाइल होता है वर्ड का भी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है या ऑल अदर जो प्रोग्राम आपके सिस्टम में स्टोर्ड है उसके जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं सिंपली आप कह सकते हैं ऐप उन फाइलों को इन्फेक्ट करता है उससे क्या होता है कि आप जितने भी फाइल उसके बाद बनाएंगे वो सारे इन्फेक्टेड होंगे और फिर वो कॉपी होता चला गया जितने फाइल उस टाइम बनाते जाएंगे एक तरह से वो कॉपी होता जा रहा है यानी कि आप फाइल तो बना रहे हैं उसके साथ साथ अपने वायरस भी कॉपी करते गए हैं और फिर वो फाइल जहां जहां पहुंचेगा वहां वहां ये वायरस भी पहुंचेगा अब चाहे जैसे भी पहुंचे इंटरनेट से पहुंचे या फिर किसी पेन ड्राइव या सी के थ्रू पहुंचे फिफ्थ है मल्टीपार्टाइट वायरस ए वायरस डिस इन्फेक्ट बोथ बूट सेक्टर एज वेल एज प्रोग्राम फाइल्स इज कॉल्ड मल्टीपार्टाइट वायरस मल्टीपार्टाइट नाम से थोड़ा बहुत इसमें मालूम हो रहा है कि ये मल्टीपल तरह के इन्फेक्शन के लिए होते हैं यानी अलग अलग तरह के फाइलों को ये डैमेज कर सकता है ये बूट सेक्टर के फाइल्स को भी डैमेज कर सकता है और दूसरे जो फाइल्स आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल होते हैं उनको भी इन्फेक्टेड कर सकता है टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में ही अगले देखते हैं सिक्स नंबर है डायरेक्ट एक्शन वायरस इट इज अ डॉर्मेंट और हिडन वायरस विच अटैक्स वेन इंफेक्टेड फाइल गेट्स एग्जीक्यूटेड ये ऐसे तो कुछ काम नहीं करेगा डॉर्मेंट चुपचाप बैठा रहेगा कुछ नहीं करेगा शांत रहेगा एकदम बिल्कुल कोई इसका आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके फाइल के अंदर में स्टोर्ड है क्योंकि ये ऐसे एक्शन में होगा ही नहीं और ना ही कुछ इसका आपको और सिम्टम दिखेगा लेकिन जैसे ही उस फाइल को आप एग्जीक्यूट करेंगे रन कराएंगे ये वायरस भी उसके साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर उसके बाद अपना काम शुरू कर देगा नेक्स्ट है पॉलीमोर्फिक वायरस इट इज मोस्ट वायरस रैप रिप्लेसेज इट्स कोड एवरी टाइम सो इट कैन नॉट बी कैच बाई एन एंटी वायरस ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस वायरस है यानी सबसे ज्यादा संक्रमण अपना जो है वो विस्तार करने में ये माहिर है क्यों क्योंकि ये अपने कोड्स को बदलता रहता है हर बार चेंज करते रहता है इससे जो एंटीवायरस आपके सिस्टम पे होता है वो भी उसको कैच नहीं कर पाएगा पकड़ नहीं पाएगा समझ नहीं पाएगा कि ये वायरस है कारण क्योंकि इसके कोड्स हर बार चेंज होते जा रहे हैं तो एंटीवायरस के लिए भी पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए ये ज्यादा इन्फेक्शियस है नेक्स्ट है ब्राउजर हाईजेकर नाम से पता चल रहा है ब्राउजर को ही हाईजेक कर लेगा हाईजेक मतलब आपको पता है ही अपहरण इट हाई ब्राउजर एंड लैंड यू टू अनोन वेबसाइट वेयर इट कैन गैदर योर पर्सनल डेटा टू मिस इट सपोज आप कोई बैंक की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और ये चूंकि आपके ब्राउजर को ही हाईजेक कर रखा है तो ओपन तो करेगा बैंक की वेबसाइट लेकिन वो थर्ड पार्टी हो जाएगा ऐसे में आप जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे पुट करेंगे वो सारा कुछ ये कॉपी कर लेगा और वो गैदर कर लेगा अपने पास रख लेगा और फिर उसका मिस यूज करेंगे यानी कि अगर आपने बैंक की सेंसेटिव इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं तो वो आपका लीक हो गया और फिर या फिर ईमेल आप ओपन कर रहे हैं ईमेल का पासवर्ड आपका लीक हो जाएगा लीक हो जाने इन द सेंस कि आपकी चोरी हो गई एक तरह से और फिर वो कोई और आपका बैंक अगर यूज कर रहे थे तो बैंक का डाटा आपका चला गया तो वो कोई दूसरा बैंक आपका लॉग इन कर लेगा आपके ईमेल का लॉग कोई और कर लेगा नाइन नंबर है माइक्रो वायरस और ये लास्ट वायरस है मतलब टाइप नाम इसका मैक्रो है जैसे वर्ड में एक्सेल में माइक्रो हम करते हैं उसी तरह का ये भी है ये इट इज अ अक्रो कोड फाइल विच कम्स अटैचमेंट इन ये एक तरह का जैसे वर्ड एक्सेल में माइक्रो हम क्रिएट करते हैं उसी तरह का कोड फाइल है ये जो कि ईमेल्स के साथ अटैचमेंट के रूप में आता है इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी अनोन अटैचमेंट जो आपके मेल में आया है उसको ओपन ना करें क्योंकि वो क्या होगा जैसे ही आप उस ईमेल को ओपन करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और चूंकि वो मैक्रो है तो आपके सिस्टम के सारे इन्फॉर्मेशन को गेदर कर लेगा और गेदर करके फिर अपना काम कर लिया अब फिर उसके बाद आपका डाटा सारा चोरी हो गया पूरा कंप्यूटर सिस्टम ही कई बार ये इसके थ्रू आपका हाईजेक कर लिया जाता है उससे क्या होगा आप अपने कंप्यूटर को ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे जैसे ही आप ओपन करेंगे कंप्यूटर को तो आपसे कोड पूछेगा उसके बाद आप लॉग नहीं कर पाएंगे नंबर देगा कि आप इस पे कॉन्टेक्ट कीजिए फिर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो पैसे मांगेंगे कि इतना पैसे दो तो आपको लॉक कोड बताएंगे फिर आप अपने डेटा को एक्सेस कर लेना सिंक आपके फाइलें सिंक हो जाएंगे स्पेशल कोड्स में वो डिकोड तभी होगा जब आप उनको पैसे देंगे तो इस तरह से ये वायरस काम करते हैं टाइप ऑफ वायरस हैं ये अब आगे चलते हैं प्रोटेक्शन कैसे होगा वायरस का ये हम जानेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम वायरस इंस्टॉल अस्ट्रॉन्ग एंटी एंटीवायरस बढ़िया कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम पे कोई भी मार्केट से सर्च कर लीजिए मालूम कर लीजिए कि सबसे इफेक्टिव कौन सा एंटीवायरस है हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं आपको अपने से कोई भी एंटीवायरस रखने से पहले रिसर्च करना होता है कि आपको कौन सा एंटीवायरस रखना चाहिए कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है सेकंड नंबर डो नॉट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स किसी अननोन लिंक पे क्लिक मत कीजिए जो कि आपके वेबसाइट पे अवेलेबल होता है कोई ऐसा लिंक उस पर ना क्लिक करें थर्ड है डो नॉट डाउनलोड अननोन ईमेल अटैचमेंट किसी मैंने पीछे भी इसको डिस्कस किया कि किसी अननोन ईमेल के अटैचमेंट को डाउनलोड मत कीजिए हो सकता है माइक्रो वायरस हो उसमें चौथा डो नॉट विजिट अनसिक्योर वेबसाइट कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जो सिक्योर नहीं होते हैं कई बार कुछ डेटा हमें फ्री वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं और काफी वो इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार क्या होता है हम किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के लिए भी कोड्स यूज करते हैं वो कोड्स हमें इंटरनेट पे मिलता है और वो फ्री में मिल जाता है लेकिन ऐसे वेबसाइट्स पे वायरस भी होते हैं यानी कि वो कोड के साथ साथ आपके कंप्यूटर पे वायरस भी लोड करता है मैं ये एग्जाम्पल के रूप में एक बता रहा हूँ इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें होती हैं आप सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करते हैं उसके साथ भी यह चीज होता है तो यह चीज ध्यान रखें पांचवा है नॉट क्लिक अन पॉपअप्स जब आप इंटरनेट ओपन करते हैं तो कई बार पॉपअप उप ओपन होता है जब तक आप उन पॉपअप पे क्लिक नहीं करेंगे आपके सिस्टम पे वायरस नहीं आएगा लेकिन आप चुकी उसमें ऐसा कंटेंट दिया हुआ रहेगा कि आपको उत्सुकता होगी कि मैं उस पे क्लिक करूं। तो ज्यादा उत्सुक ना होकर उस उसपे क्लिक ना करें क्योंकि उसमें वायरस हो सकता है ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि उसमें वायरस ही होगा लेकिन आपको पता नहीं है उसमें वायरस हो भी सकता है और ये भी नहीं कोई पर्टिकुलर ये है कि इसी पॉपअप के अंदर में वायरस होगा और इसके अंदर में नहीं होगा किसी में भी हो सकता है और किसी में भी नहीं भी हो सकता है तो इसलिए Unknown, जिस पे आपके बिलीव नहीं करें कुछ ऐसा बहुत ही बहकावे वाला हो तो उन तरह के लिंक्स या पॉपअप्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए जैसा मैंने बताया नॉट क्लिक अनएक्सपेक्टेड ऑफर लिंक्स कुछ ऐसे ऑफर दिए जा रहे हो जो कि अनएक्सपेक्टेड है काफी अलग तरह का है काफी इंप्रेसिव है तो उसको नहीं क्लिक करना चाहिए क्योंकि जनरली आप जान लीजिए कि कुछ भी जल्दी फ्री में नहीं मिलता है खासकर इंटरनेट पे और सेवेंथ है डो नॉट डाउनलोड सॉन्ग्स वॉलपेपर, वीडियोस वीडियोज एटसेट्रा फ्रॉम अनसिक्योर वेबसाइट्स हम सॉन्ग्स वॉलपेपर्स एंड वीडियोज आए दिन डाउनलोड करते रहते हैं लेकिन इसमें सिक्योर वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको रिस्क कम रहता है मैं ये भी नहीं कर सकता कि रिस्क रहता ही नहीं है कई बार उनके वेबसाइट्स भी हैक हो जाते हैं और फिर उसके थ्रू मॉलवेयर वायरस आपके सिस्टम पे आ सकते हैं तो ये गारंटी नहीं है बट आपके सिस्टम में भी एंटीवायरस रहेगा तो सिक्योरिटी आपकी बढ़ जाएगी जैसे ही आप किसी अनसिक्योर्ड वेबसाइट पे जाते हैं तो आपका एंटीवायरस जो है वो आपको इन्फॉर्म कर देता है उस वेबसाइट को वहीं पे रोक देता है ब्लॉक कर देता है यानी वेबसाइट को ओपन ही करने देगा तो ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि किसी ऐसे वेबसाइट पे भी विजिट ना करें और सॉन्ग्स या वॉलपेपर ना डाउनलोड करें या वीडियोस ना डाउनलोड करें जो सिक्योर्ड ना हो तो इन सब चीजों का आप ध्यान रख के आप वायरस से काफी हद तक आप बचाव कर सकते हैं इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर पे पेन ड्राइव या सीडी या और कोई भी ट्रांसपोर्टेबल जो डिवाइसेज होते हैं वो लगाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए कि वो किस किस जगह से यूज हुआ है अगर ये सब पता नहीं है तो पहले जानकारी ले लें उसके बाद फिर उसको यूज करें अपने सिस्टम पे क्योंकि उसके थ्रू भी आपके सिस्टम पे वायरस आ सकता है तो इस तरह से इससे प्रोटेक्शन आपको मिलेगा आज के लिए इतना ही थैंक यू कीप वॉचिंग